हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक तरफ बलात्कार के आरोपी विधायक को बचाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ एक रसूखदार बाबा से बलात्कार के आरोप धोए जा रहे हैं। बाबा का रसूख ऐसा है कि सूबे के अधिकारी भी उनकी आरती उतारते हैं और कुछ महीने बाद उनसे केस वापस लेने का आदेश जारी कर देते हैं। बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की, जिन पर 7 साल से बलात्कार का केस चल रहा है। फिलहाल प्रशासन ने उनसे ये केस वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। देश में बाबाओं का रसूख किसी से छिपा नहीं है। ऐसे ही एक और बाबा आजकल चर्चाओं में हैं। केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। सूबे के शाहजहांपुर में इनका बड़ा आश्रम भी है। 7 साल से बलात्कार के केस को लेकर चर्चाओं में थे और अब चर्चा है कि इनसे बलात्कार का दाग धुलने जा रहा है। आखिर बात अब रसूख की जो आ गई है, अपराधी के कद की जो आ गई है। दंगे तो दंगे, अब रेप आरोपी का भी रंग रोगन होने लगा है। इसलिए 9 मार्च 2018 को शाहजहांपुर के जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को चिट्ठी भेजी गई। इस चिट्ठी पर एडीएम के साइन है। चिट्ठी में लिखा है कि सरकार ने शाहजहांपुर कोतवाली में जो चिन्मयानंद पर धारा 376 और 506 का केस दर्ज है वो वापस लेने का फैसला किया है। इसलिए सरकारी आदेश का जल्द से जल्द पालन करके रिपोर्ट दी जाए। कोई मामला आदरणीय स्वामी जी के विरुद्ध पंजीकृत था, उसमें शासन से वापसी का आदेश प्राप्त हुए और जिसके क्रम में कार्रवाई जो अपेक्षित की गई है और सही है कि एक आदेश प्राप्त हुआ है जिसके क्रम में कार्रवाई की जा रही है। धारा 376 यानी बलात्कार का मामला, पूर्व गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर यह मामला काफी पुराना है। 30 नवंबर 2011 को इस शिष्य ने चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई। रेप और जान से मारने की धमकी का केस हुआ। चिन्मयानंद को अरेस्ट होने का डर था, इसलिए हाईकोर्ट पहुंचे। सफाई दी की पॉलिटिकल साजिश है, उनकी इमेज खराब करने के लिए सब किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे लगा दिया और तब से स्वामी जी का केस और कारोबार बदस्तूर जारी है। बस जांच चल रही है, बाकी होना कुछ नहीं। अब जांच की आज भी खत्म और स्वामी जी पाक साफ, कैसे ये सरकार जाने। मैं क्या बोलूं उनके बाद, जो महंत हैं और मैं इसलिए उनके बारे में उनकी टिप्पणी करते हुए 4 बार सोचता हूं क्योंकि उन्होंने गेरुआ वस्त्र पहना है, लेकिन उन्होंने तो अपने ऊपर भी जितने भी कदम थे सब वापस ले लिए। तो जब खुद पर जब आचरण उनका रहेगा तो दूसरों के साथ वो करें नहीं, अब उससे कोई और भी कितना भी किस तरह का क्यों नहीं हो उस पर करेंगे। स्वामी चिन्मयानंद का रसूख ऐसा कि सूबे के मुखिया भी इनके आश्रम के मेहमान रह चुके हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये भगवान से कम नहीं है। एक वीडियो आया था जिसमें सिस्टम की पोल खोल कर रख दी थी। बड़े आईएएस और पीसीएस अधिकारी आरती का थाल थामे हुए थे और आरती उतार रहे थे स्वामी चिन्मयानंद की। पीड़िता को कुछ जानकारी ही नहीं, सरकार ने सीधे ही फैसला ले लिया। नारा था बेटियों के सम्मान में भाजपा मैदान में, और अब वही भाजपा मेरा केस वापस ले रही है। ये बहुत ही दुखद है। न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। मैंने कोर्ट में इस आशय का प्रार्थना पत्र दे दिया है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, वारंट जारी किया जाए, और मैं मीडिया के माध्यम से भी यही अपील करना चाहती हूँ। जब अफसर बलात्कार के आरोपी की आरती उतारेंगे तो पीड़ितों को न्याय कौन दिलाएगा। यहाँ तो बात सीधे रसूख की है और स्वामी चिन्मयानंद की पहुँच तो सब जानते ही है कि ऊपर तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।